हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में पढ़ा था, है ना। आज की क्लास में हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में देखेंगे। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो करेक्टर है वो डॉट के फॉर्म में प्रिंट होगी, डॉट 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 ऐसे प्रिंट होंगे, ठीक है। जैसे ए बी सी डी प्रिंट होगा तो डॉट डॉट से बने हुए इमेजेस होंगे, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है, जैसे देखिए डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो सीरियल प्रिंटर भी कहलाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। ये प्रिंटर प्रत्येक करेक्टर को डॉट के पैटर्न में प्रिंट करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके करेक्टर हैं उनको डॉट के फॉर्म में प्रिंट करते हैं। इसमें प्रिंट हेड छोटी निडल के एक मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है, ओके, जिसमें 7 रोज होती हैं तथा प्रत्येक रो में 9 निडल होते हैं, जो करेक्टर को छोटे छोटे डॉट के पैटर्न में हैमर करता है। हैमर मतलब उसको प्रेस करता है, ओके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी डेजी व्हील प्रिंटर की तुलना में कंपैरिजन में कम अच्छी होती है। इसकी स्पीड लेटर क्वालिटी प्रिंटर की तुलना में अधिक होती है और यह प्रिंटर जो है 25 से 300 करेक्टर पर सेकंड की रेंज से करेक्टर को प्रिंट करता है। अभी आपने देखा था कि जो डॉट डेजी व्हील प्रिंटर था वो 10 से 50 करेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता था, लेकिन यहाँ पे 25 से लेकर के 300 करेक्टर पर सेकंड की स्पीड से प्रिंट करता है, ओके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर की कंपैरिजन में कम खर्चीले होते हैं, यानी लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और ये प्रिंटर ग्राफिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। आपने प्रीवियस वाले में देखा था कि डेजी व्हील जो है ग्राफिक्स जनरेट नहीं कर सकता है, मतलब अगर आपको कोई इमेज चाहिए या कुछ आपको ड्राइंग करनी है, कुछ चित्र दिखाना है, तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स जो है ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसको देखते हैं। इट प्रिंट्स करेक्टर और इमेजेस बाई टाइनी डॉट्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में प्रिंट करता है, ऑन द पेपर लाइक टाइप राइटर। दीज डॉट्स आर प्रोड्यूस बाई अ मूवेबल प्रिंटिंग हेड कंटेनिंग मैट्रिक्स ऑफ पिंस। अब इसमें छोटे छोटे पिन होती हैं, छोटे छोटे सुई की तरह पिन होती हैं, तो जब वो मूव करता है तो पिन भी क्या करती हैं, उनको प्रेस करता है। विच स्ट्राइक्स ऑन द इंक रिबन, अब जो इंक रिबन होगा जिसमें स्याही लगी होगी उसको स्ट्राइक करेगा, प्रेस करेगा, एंड लीव्स इंप्रेशन डॉट्स ऑन द पेपर। तो छोटे छोटे जो सुई हैं उन पेपर में क्या है टकराएंगी, जिससे क्या है आपका करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर सिंस डॉट्स आर फॉर्म्ड बाई इम्पैक्ट ऑफ इंक रिबन एंड पेपर। इसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके करेक्टर प्रिंट होते हैं वो स्ट्राइक करके प्रिंट होते हैं रिबन में, ओके। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इट हैज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैन प्रोड्यूस कार्बन कॉपीज, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कम होती है ना, और ये जो है बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। इट इज़ नॉइजी स्लो एंड प्रोड्यूस लेस क्वालिटी ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। ये नॉइजी होते हैं, जाहिर सी बात है हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं तो आवाज़ तो सभी में आने वाली है, आवाज़ तो सभी करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, मोस्टली यूज़ इन बैंक इन ऑफिसेस, इसका यूज जो है बैंक और ऑफिसेस में किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस, ओके। सो अभी आपने जो है एक क्लासिफिकेशन देख लिया है करेक्टर प्रिंटर, ओके। करेक्टर प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कौन कौन सी, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, ओके। अभी अगर डॉट मैट्रिक्स को देखेंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पे अभी ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से है। इसमें जो आपको इस पोर्शन में आउटपुट दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए डॉट 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 करके आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे लाइन प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर के जितने भी टाइप्स हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ओके। और आप इसके नोट्स बनाइए, तब तक के लिए हम इसको जो है अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू।